तो फ्रेंड्स, आज मैं बिरयानी बना रही हूँ। और ये देखो, मैंने ऑनियन फ्राई कर लिया है। ऑनियन ऐसा फ्राई करना है, एकदम ब्राउन हो जाए, ऐसे क्रंची हो जाए, ऐसा ब्राउन करना है। ये देखो, इसका कलर ब्राउन हो गया है। मैं आज बना रही हूँ बिरयानी, जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखो, तो यहाँ मैंने वेजिटेबल ले लिए है। तो देखो, ये वेजिटेबल है, ये कैरेट है, जो बड़े बड़े पीस में कटिंग कर लिए है। इसको गलने नहीं देना है, इसको क्रंची रखना है, इसीलिए बड़े पीस करे हैं मैंने। ये टोमेटो है, इसका अंदर का भाग निकाल लिया है मैंने। और मटर है, और फूल गोभी है, इसके अलावा ब्रोकली भी ले सकते हैं, कैप्सिकम है, अदरक मैंने छीन लिया है, और ये इलायची ली है मैंने ग्रीन, जो इसको थोड़ा सा खोल के प्रेस कर ली है क्योंकि इसकी फ्लेवर आई है। तो ये है बिरयानी मसाला, ये है आलू और थोड़ी सी धनिया फ्रेश। ये देखो, यहाँ मैंने दही ले लिया है, दही में मैं धनिया डाल रही हूँ। और ये मसाला, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी, ये इलायची, इसमें धनिया पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी और नमक। और गार्लिक डाल रही हूँ, फ्राई किया था वो ऑयल इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सबको मिक्स कर लेना है। जिया उतनी लेनी है जितना राइस कम नहीं लेना है और ज्यादा भी नहीं लेना। और ज्यादा राइस होगे तो सब्जियाँ कम लगेगी। तो 500 ग्राम राइस लेंगे तो 500 ग्राम सब्जियाँ होनी चाहिए। ये देखो, मैंने मिक्स कर लिया है। अच्छे से हो गया है, देखो बहुत अच्छा लग रहा है। जो ऑयल मैंने ऑनियन फ्राई किया था वही ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये बर्तन थोड़ा मोटी परत वाला लेना चाहिए क्योंकि बैठे नहीं हमारा राइस, जो बैठ ना जाए, सब्जी बैठ ना जाए। ये डाल रही हूँ ऑयल के साथ, इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। और इसमें जीरा का झोंक लगाओगी। बहुत बढ़िया मात्रा में सब्जी जा रही है। यहाँ मैंने देखो ये काजू के पीस लिए हैं, और मेरे पास ये कट किए हुए काजू थे तो ये ले लिए। कटिंग नहीं करते तो भी चलता है। और यहाँ मैंने दूध में केसर डाल के ये ऐसा मिक्स घोल बना लिया है, देखो। और ये है, ये है चावल। इस चावल को मैंने आधे ही देखो, ये कच्चे कच्चे जैसे रहना चाहिए उतना बॉईल करना है। और इस चावल में मैंने डाले है खड़े मसाले कुछ, ये है ब्लैक पेपर, और कहाँ गया मसाला, निकल जा, सबको दिखना है, मुंह दिखाई कर दो। ये इसकी हो गई मुंह दिखाई, ये देखो फुल चक्री, ये तेज पत्ता और हली, ये है हरी मिला इलायची, और ये है तेज पत्ता, ये सब डालना है। और अगर आपने इसमें नहीं रखना तो निकाल भी सकते हैं इसको, मगर मैं ऐसे ही रखूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, खाने के वक्त निकाल देंगे। ये वेजिटेबल बिरयानी में हम अपने हिसाब से सब कुछ डाल सकते हैं, हम अपनी पसंद की सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कि ब्रोकली, बीन्स, स्वीट पोटैटो, वो सब डाल सकते हैं। और पनीर भी डाल सकते हैं, पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मगर मेरे पास आज अवेलेबल नहीं था पनीर, वरना मैं भी डालती हूँ पनीर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारी सब्जी
देखो कच्ची पक्की हो गई है। देखो पूरी तरीके से इसको पकानी नहीं है क्योंकि राइस के साथ भी पकेगी ये, तो ये क्रंची रखनी है। और यहाँ हमारी सब्जी देखो रेडी हो गई है, इसके अंदर जाएगा ये राइस। और ये हल्के हाथों से इसको फैलाना है। ये ऑनियन जाएगी, काजू जाएंगे, और ये है केसर वाला दूध। इसी से फ्लेवर कोई अच्छी आती है और कलर भी अच्छा आता है। और मैं डाल रही हूँ घी। तो इसको हमें ऐसे रख देना है। और ऐसा कोई तवा होता है ना, वो रख के उसके ऊपर ये रख देना है बर्तन, ताकि नीचे से जले ना, हमारा राइस और वेजिटेबल्स है ना वो जल ना जाए, इसीलिए ऐसे करना है। तो एक मिनट के लिए फ्लेम बहुत ज़्यादा रखनी है, इसके बाद स्लो फ्लेम रखना है, एकदम स्लो फ्लेम रखना है और बन जाएगी हमारी बिरयानी। मैंने जो राइस को छान लिया था वो पानी है, वो 2 चम्मच डालूंगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी जरूर पड़ेगी। देखो हमारी बिरयानी बन गई है, देखो बहुत ही अच्छी, वाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। देखो ये वेजिटेबल पूरे के पूरे क्रंची है, कैसी खुशबू आ रही है कृष्णा। भाई तमे रिक्शा माँ लोक मेड़ो और नीचू देखो पहली बार जा रही है मेड़ा माँ लोक मेड़ो बच्चा पार्टी पीछे। हाय हम आ गए हैं लोक मेड़े में। तो आज हम सब सोसाइटी वाली बहनें सब लेडीज लोग बच्चों को लेके आ गए हैं मेले में। हाय नीजू, ये लोक मेले में जो मजा आती है ना वो कहीं पर भी मजा नहीं आती। कोई भी प्राइवेट मेले में कितना भी अच्छा डेकोरेशन किया है, कितना भी अच्छा सेटअप किया हो, ऐसी मजा लोक मेले में ही आती है, प्राइवेट मेले में नहीं आती। तो देखो आप लोग भी। और आज हम उद्घाटन में आए हैं, उद्घाटन जिस दिन किया है उसी दिन हम मेले में आए हैं, क्योंकि यहाँ मेले में सब क्लीन होता है और एंड तक तो ये मेला बहुत गंदगी से भर जाता है, तो इसीलिए हम लोग उद्घाटन में आते हैं। पब्लिक भी कम रहती है और क्लीन भी रहता है इसीलिए। और देखो नीचू को तो मजा ही आ गया, नीचू पहली बार आई है मेले में, अभी तक आई नहीं थी, और मेला भी बहुत अच्छा है और क्लीन भी है। और यहाँ देखो बच्चे लोग जा रहे हैं राइड्स में, और राइड्स में बैठ के जाएंगे शॉपिंग करने। तो देखो ये सिलसिला जारी हो गया है बच्चे का राइड्स में बैठने का, शॉपिंग करने का और आइसक्रीम खा के एंजॉय करने का। तो यही है मेले का सिलसिला। कृष्णा देखो बलून में निशाना ताक रही है, उसको ये गेम बहुत पसंद है। और पीछे नीजू को भी
करवाया था ये गेम। ज्वेलरी में ही रस है, इंटरेस्ट है। ये दोनों बहनों देखो, ज्वेलरी में चिपक जाती है। प्रिशा को देखो, ज्वेलरी में ही रस होता है। बस नवरात्रि की ज्वेलरी इकट्ठा कर रही है, मगर खेलने जाएगी एक या दो दिन बस। मगर इकट्ठा करेगी, भर भर के डब्बा भर भर के रख देगी। हाँ, कुकर की सीटी बज गई। यहाँ बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी हो रही है सबको। यहाँ सेल की प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम लोग बाहर निकल गए हैं गर्मी की वजह से। बफारा बहुत हो रहा था। और ये है नाइट का व्यू देखो। घर पहुंच गए, 5 बजे के निकले थे, अभी 8:30 बजे। शॉपिंग की, इतनी सारी शॉपिंग की, हमें पैर दुखने लगे, क्या करें। नीचे तो पूरे के पूरे लंग था। चलो हम सब आ गए हैं, मेला 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 राजकोट का मेला करके। ये देखो, इतनी सारी शॉपिंग की, बहुत सारी शॉपिंग की मजा भी बहुत आया। कैसा मजा आया आपको? मस्त मजा।